पुलिस प्रशासन पे कई जगह लगातार हमले किए जा रहे हैं। किस परिदृश्य में ये हमले किए जा रहे हैं ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी जो ताजा वाक्य आया है वो गया जिले के सिरघाटी थाना अंतर्गत का क्षेत्र है, सिरघाटी बाजार, जहां के पीर मोहम्मद नामक एक अधिवक्ता पे आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ साथियों के साथ प्रशासन पे हमला किया, जिसमें वहां के एक एसआई और कुछ सिपाही भी घायल हैं। बात है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता दानिश खान उर्फ मिस्टर खान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ये क्या हो रहा है सर, लगातार प्रशासन पुलिस पे हमला? देखिए, पब्लिक लॉकडाउन है, इसमें हम आम पब्लिकों को प्रशासन का सपोर्ट करना चाहिए। थोड़ी बहुत तो कठिनाइयां सभी को हो रही हैं यहाँ पे, और ये जो भी काम हो रहा है, जो भी सरकार स्टेप ले रही है, ये हम लोगों के हित में है, क्योंकि हम लोग सिक्योर रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि दूसरे पक्ष का कहना है कि प्रशासन उनके घर पे आई थी, घर पे जाकर गाली गलौज किया था, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि देश के कई क्षेत्र में इस तरह की घटना है। थोड़ा पुलिस प्रशासन को भी संयम बरतना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक कुछ भी जरूरी काम से भी जा रही है, दवाई के काम से जा रही है लेने के लिए, या एफएमसीजी प्रोडक्ट खाने के लिए, तो थोड़ा संयम बरतना चाहिए। लेकिन सर, प्रेशर तो प्रशासन पे भी लगातार है। हाँ, प्रशासन पे लगातार प्रेशर बना हुआ है, इसको मैं मानता हूँ। तो इस पर आखिर कैसे प्रशासन भी कैसे समझे, कोई जादुई छड़ी तो है नहीं उनके पास? हाँ, तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि प्रशासन का यहाँ पे सहयोग करना चाहिए हम लोगों को, और कोशिश करें कि जरूरी काम से ही निकले, ज्यादा इधर उधर घूमे नहीं। आप ये छात्र नेता रहे हैं और जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी शुरुआत से ही मुखर रही हर मुद्दे पे अपनी बात रखने के लिए, आप अगर युवाओं को एक एडवाइस देना चाहें तो आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा, खास करके जो टीनेजर हैं, जो बाइक राइडिंग कर रहे हैं बिना वजह इधर उधर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने घर पे टाइम दें, खुद सिक्योर रहें, मास्क यूज करें, सैनिटाइज करें। लेकिन एक पहलू इस और केस का है कि जिस पे हमला करने का आरोप लग रहा है वो एक अधिवक्ता है, तो अधिवक्ता अगर पुलिस पे एसआई पे आक्रमण करता है तो थोड़ी सोचनीय विषय कि कहीं हम कुछ ज्यादा इंटॉलरेंस नहीं होते जा रहे हैं। हाँ, ये सोचने की वजह है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पे अभी हमला हुआ है तो हम आम पब्लिक कहाँ सेफ रहेंगे, और पुलिस प्रशासन भी जो है, क्योंकि एक एडवोकेट एक अधिवक्ता तो हर रूल्स रेगुलेशन हर लॉ से वो वाकिफ है, सारा एक्ट जानती है वो, क्योंकि उसके बाद भी इस तरह का स्टेप उन्होंने लिया है, ये तो समझ में नहीं। सिरघाटी थाना में पदस्थापित ट्रेनी आईपीएस सागर कुमार ने इस केस के बारे में डिटेल से प्रेस को बताया है। हम चाहेंगे कि आप इनकी बात सुने कि आखिर ये वाकया हुआ क्या था और किस तरह की परिस्थिति बनी थी। सर, उसका क्या ये है? सवेरे जो गश्ती पार्टी थी हमारी सिरघाटी थाना की, उसमें सब इंस्पेक्टर थे ददन प्रसाद, उनके साथ फोर्स थी, तो एक दुकान खुला पाया गया, सिंगार का दुकान था, उसमें महिलाएं थी, उसको पूर्व में भी कहा गया था कि भाई दुकान आपको परमिटेड नहीं है, और फिर बोला गया कि नगर पंचायत द्वारा भी आपका दुकान परमिटेड नहीं है, तो इसी में जो बगल का एक शटर से
कुछ काफ़ी संख्या में पुरुषें और महिलाएँ उस दुकान का लोग आके पुलिस पार्टी पर हमला कर दिया। हमारे अफसर को अंदर घिस करके उसके साथ मारपीट किया गया, उसके वर्दी को फाड़ दिया गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। 6 आदमी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं और लगभग 25 आदमी जो है उस परिवार के उन पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। ऐसी बात आई है कि उस परिवार में लोग शादी में आए हुए थे पहले लॉकडाउन के पहले 22 मार्च को शादी दी हुई थी, उसके बाद से यहीं थे। इसे सूचना भी वो लोग कहीं नहीं दिए कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा आदमी हैं। सब पर क्या कार्रवाई की जा रही है। हम अपने दर्शक वर्ग से, हिंदुस्तानियों से, अपने समाज के लोगों से ये आग्रह करेंगे कि आप ये समझिए परिस्थिति बिल्कुल अनुकूल नहीं है। कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहा है, इस तरह प्रशासन पे भी बहुत बहुत कस के प्रेशर बना हुआ है, वो परेशान खुद भी हैं, हम सब भी परेशान हैं। तो ये वक्त है कि हम साथ मिलकर अपने देश को संभालें, अपने समाज को संभालें, खुद भी संभालें। इन तरह की चीजों से हम दूर रहें, बचें और बाहर भी नहीं निकले, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही देश की सुरक्षा है।